कहिए कैसे हैं आप? आपको मेरी बात समझ ही नहीं आती, कितनी बार बोल चुका आपको समझ ही नहीं आ रहा। आप ये मत सोचिए कि ये मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं उन पेरेंट्स की बात कर रही हूँ जिनके बच्चे, जिनके टीन एज बच्चे उनसे ऐसे बात करते हैं, उनसे गुस्से से, उनसे रूठ होकर रफली बात करते हैं। और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमने क्या गलती की, कितने प्यार से इनको पाला है, इतने प्यार से इनका ध्यान रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं, और ये कितनी बदतमीजी से बात करते हैं, डिसरिस्पेक्ट से, रूड, रफली बात करते हैं। इस तरह से बात की जाती है पेरेंट्स से। कल एक मैसेज भी आया, उसमें एक लेडी ने ये लिखा हुआ था, जैसे कि आप सबके अलग अलग कमेंट्स मैसेजेस आते हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, बहुत सारी बातें आप शेयर करते हैं, तो एक लेडी ने ये लिखा हुआ था कि उनकी बेटी 14 की होने वाली है, अभी 13 क्रॉस की है, अब 14 की होने वाली है, और इतना रूडली बिहेव करती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। कहते हमें ना शर्म आने लगती है कि ये हमारी बेटी है। और क्या होता है, कहते हैं कि ना उन्होंने जो लिखा हुआ था कि कमरे में रहती है ज़्यादातर, हमारे सामने तो आती नहीं है ज़्यादातर, पता नहीं क्या करती है, कमरा भी कई बार बंद कर लेती है, और जब उसके फ्रेंड्स आते हैं तो अच्छी तरह से हंस बोल के बात करती है, हम बुलाते हैं, हम खाने के लिए बुला रहे हैं, मैं कई बार बुलाती हूँ, जैसे उसने बताया कि मैं कई बार बुलाती हूँ कि आओ चलो मिलके बैठते हैं, बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, चलो किचन में कुछ हेल्प करा दो, तो मुंह बना के रहती है। वहीं जब फ्रेंड्स आते हैं तो वो मुंह बनाना, वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, और स्माइल स्माइल, और इतना बोलते हैं फ्रेंड्स आपस में, इतना बोलते हैं, तो हमने क्या कसूर किया है? और उन्होंने ये भी बताया कि उनका एक 9 साल का बेटा है, और वो देख देख के ये सब देख रहा है, और वो बिगड़ भी रहा है, मतलब उसके मन में ये फीलिंग आ रही है कि भाई मैं भी ऐसा ही बनूंगा। क्या करना चाहिए ऐसे में, क्या करना चाहिए? देखिए, जब बात आती है ना कि जब बच्चे अपने बचपन से निकल के और टीन एज में पहुंचते हैं, तो इस तरह की जो वो रिएक्ट करते हैं ना, बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट आती है, और वो यही बोलते हैं कि आप बताओ हम क्या करें, मतलब गुस्सा कर ले, डांट ले, मार ले, पीट ले, पनिश कर ले, क्या क्या करें, क्या क्या करें, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं पेरेंट्स बच्चों के बिहेवियर से। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि पेरेंट्स क्या करें जब बच्चे इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करते हैं और गुस्से में बोलते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, तो पेरेंट्स क्या करें, किस तरह से रिएक्ट करें। तो सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, शांत। सबसे पहले मुझे पता है बहुत बहुत मेहनत लगती है, पेशेंस कहाँ से लाएं इतनी पेशेंस, पर रखनी पड़ेगी पेशेंस, हमें रखनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और इसके साथ साथ ना एक बात और ये ध्यान रखनी है कि जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं ना, जैसे हर एक बोलता है कि हमारे बच्चे मिसबिहेव करते हैं, बच्चों को अकल नहीं है, समझ नहीं है, तमीज़ नहीं, हर कोई पेरेंट बोलता है जब बच्चे इस एज को क्रॉस कर रहे होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि बच्चे ऐसे जानबूझ के नहीं कर रहे, ये उनके अंदर आए चेंजेस हैं, चाहे बायोलॉजिकल कह लीजिए, चाहे साइकोलॉजिकली कह लीजिए, ये उनके अंदर आए चेंजेस हैं, वो खुद भी इससे लड़ रहे हैं, मतलब इस चेंजेस को वो मतलब अपने अंदर धारण किए हुए हैं, और वो इससे लड़ भी रहे हैं, वो कोई इंटेंशनली नहीं कि उनको अच्छा लग रहा है कि अपने पेरेंट्स से बदतमीज से बात करें, ये उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये कारण वो है। तो सबसे पहली बात तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा कुछ नहीं है, इंटेंशनली नहीं कर रहे वो बदतमीजी जो आपसे कर रहे हैं, ये चेंजेस हैं, और आपको इसको एक्सेप्ट करना है, इसको स्वीकार करना है कि हाँ अब क्या करना है, अब रहिए शांत, आप मान के चलिए कि कोई बात नहीं, ये चेंजेस हैं बच्चों के, ये हो जाएंगे ठीक। मतलब एक टाइम था जब बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, आपने बताना है क्या कपड़े पहनने, आपने ही खाना देना है, आपने ये बताना है क्या करना है, हर एक चीज आपके ऊपर डिपेंडेंट थे, अब वो बड़े हो गए, अब वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो वो उस फीलिंग से निकल, उस फीलिंग को जी रहे हैं, वो अपनी उस फीलिंग को जी रहे हैं, इसलिए इस चीज को आप टेंशन बनाना बंद कर दीजिए कि बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं, रूड है हमसे, बहुत रफ है, ये चीज़ को निकाल दीजिए। अब ये सोचिए कि हाँ मैंने कूल रहना है, जो सिचुएशन है, बच्चा जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह से बात कर रहा है, मैंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी, बस। पेशेंस होते हैं ना, पेरेंट्स का दूसरा नाम ही पेशेंस है, पेशेंस, पेरेंट्स का दूसरा नाम है पेशेंस, और रखिए, आप रख सकते हैं, आपका ही बच्चा है ना। अब दूसरी बात, इग्नोर कर दीजिए। हम क्या करते हैं कि बच्चे ने कुछ बोला, हम डबल बोलते हैं, मतलब वो 1% बोलता है तो हम 10% बोलते हैं, तेरी हिम्मत कैसे है बोलने की,
अपनी माँ से बात कर रहा है, अपने पिता से बात कर रहा है, तो ऐसे कैसे बात कर रहा है, तो अकल नहीं है क्या? हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं ना, तो ये चीज़ इग्नोर कर दीजिए। कई बार जैसे मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं और आपने बच्चे को बोला, आपने बेटे को आवाज़ दी या बिटिया को आवाज़ दी कि ज़रा वो ले आना, और वो आपने 3 बार दिया, 4 बार दिया और उसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, वो अपना मोबाइल में लगा हुआ है, वो मैसेजेस कर रहा है, वो ना हाँ कर रहा है ना हूँ कर रहा है, बस लगा हुआ है, ध्यान ही नहीं दे रहा, तो ऐसे में क्या होगा? आपका पारा सातवें आसमान पे चढ़ेगा। अब नहीं, इग्नोर कर दीजिए, आप देखिए कि वो मोबाइल कर रहा है, कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए, आपकी पेशेंस का इम्तिहान है। मुझे पता है बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है ऐसे, पर ये करना पड़ेगा अगर हमें ठीक रखना है, अगर हमें सब कुछ ठीक रखना है। देखिए, हमें इसके अगर रिजल्ट्स अच्छे चाहिए ना, तो हमें कूल भी बनना पड़ेगा और बहुत सारी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज जरूर है कि अपने रूल्स बना लीजिए, अपने घर के, हर एक घर के अपने अपने नियम होते हैं ना, रूल्स बना लीजिए कि कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, तार सब तक होती है ना, चिल्ला के कोई भी आवाज नहीं करेगा इतनी ऊंची, सब मीडियम लो में बात करेंगे, और सबका मतलब है सब, अगर बच्चे कर रहे हैं तो, अगर बड़े कर रहे हैं तो, सबको नॉर्मल पिच में बात करनी है, और अगर कोई बदतमीजी से बात करता है तो, ये मैं पेरेंट्स के लिए कह रही हूँ कि अगर बच्चा बदतमीजी से बात करता है ना, तो आप उसको बजाय उसी लहजे में जवाब देने के, उसको ये बोलिए कि बेटा आपने इस तरह से बात की ना, मुझे अच्छा नहीं लगा, सिंपल। आप जो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे हर्ट हुआ, मुझे दुख हुआ, तब देखिएगा उसका क्या रिजल्ट होता है, और बजाय तेरी हिम्मत कैसी हुई और दे चटाक, मतलब चांटा भी मारना, पिटाई भी करना, क्या होगा इसका रिजल्ट पता है? कि वो कमरे में चला जाएगा, भड़ाम करके दरवाजा बंद कर लेगा, वहीं बैठा रहेगा, लगाते रहिए आवाजें, कितनी टेंशन होगी कि पता नहीं कुछ कर ना ले। हमारे मन में, पेरेंट्स के मन में अच्छे ख्याल तो आते नहीं है ना, बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि पता नहीं क्या कर ले, कोई लेटर ना लिख ले, आजकल इतने केसेस हो रहे हैं, बच्चों को इतना स्ट्रेस रहता है, फिर हम पकड़ के अपने सिर को रोते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने कंट्रोल क्यों नहीं किया। तो हम उस सिचुएशन से, वो सिचुएशन आए, उससे बेहतर है कि हम खुद ही कंट्रोल कर लें, क्योंकि वो जो सिचुएशन है ना, वो बहुत टेंशन देती है। बहुत बार होता है, बहुत पेरेंट्स के साथ होता है कि बच्चे को गुस्सा कर दिया, बच्चा क्या करता है, बाहर चला जाता है, घर के बाहर मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है। कर लो क्या करोगे, मतलब फोन ही नहीं उठाता, जवाब ही नहीं देता या स्विच ऑफ कर देगा, तो कर लो आप क्या करोगे। ऐसी सिचुएशन, ऐसी वर्स्ट सिचुएशन ना होना, इससे बेटर यही है कि आप कंट्रोल कर लीजिए। वही है कि कुछ बातें पी जाइए, कंट्रोल कर लीजिए गुस्से को, एकदम शांत बने रहिए, पी जाइए, बस बात खत्म कीजिए, अपने रूल्स बना लीजिए। वो जरूरी है कि कोई भी नहीं करेगा, हम सब आराम से बात करेंगे, क्योंकि हमें बच्चे की चिंता है ना कि वो भी इस सिचुएशन से निकल रहा है, उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो उस सिचुएशन से निकल रहा है, तो हमें उसका साथ देना है, कॉपरेट करना है। इसी के साथ साथ ना, हमें बच्चे को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि अप्रिशिएट नहीं करते कई बारी, क्योंकि हम नाराज होते हैं, क्योंकि बच्चे ने हमसे अच्छी तरह बिहेव नहीं किया, तो बच्चे ने कोई अचीवमेंट ली ना, हम ज्यादा खुश नहीं होते, रिएक्ट नहीं करते, और अगर रिएक्ट करते भी हैं तो कई बार ऐसे बोल देते हैं, हाँ ठीक है, बधाई हो, अच्छा है, शाबाश, बस। ऐसे नहीं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना, और बच्चा आया है और उसने दिखाया है कि ये देखो मेरा सर्टिफिकेट, ये देखो ये मेरा मेडल, कुछ भी ABC कोई भी चीज उसने दिखाई है ना, अपने काम छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए, और उससे बात कीजिए। अरे वाह, ये कैसा हुआ, ये कैसे किया आपने, क्या हुआ था, सारा डिटेल में बताओ। उसके पास बैठिए, उसको बिठाइए अपने पास कि सारा डिटेल में बताओ, बहाना तो मिलेगा ना उससे बात करने का। और फ्रेंड्स का क्या रहा, सारी डिटेल, मतलब कहने का ये है कि सारी डिटेल में उससे पूछिए, उसको बहुत अच्छा लगेगा, पर जरूरत क्या है कि उसको अप्रिशिएट करना है और उससे डिटेल में बात करनी है। ऐसे नहीं कि हल्के फुल्के, हाँ ठीक है बस, ऐसा नहीं, अच्छे से। मुझे पता है कि जब गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, और जल्दी से शांत भी नहीं होता, पर करना पड़ेगा, पेशेंस, पेरेंट्स हैं ना हम, इसलिए पेशेंस। और बच्चे के ये चेंजेस हैं, ये हर एक बच्चे के साथ होते हैं, बच्चा जिस सिचुएशन से निकल रहा है, हमें उसको कॉपरेट करना है, ये सोच के, तो बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए। और कई बार पता है क्या होता है कि ना, बहुत सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आउट ऑफ कंट्रोल कैसे, बच्चा बोल रहा है, हम डबल बोल रहे हैं, वो ट्रिपल बोल रहा है, मतलब पापा मम्मी बच्चा सब लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, और जो छोटी छोटी बिटिया है या छोटा बच्चा है ना, वो घर का दरवाजा बंद करके टीवी की वॉल्यूम ऑन तेज कर देता है कि चलो बाहर तक आवाज ना जाए। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि सभी लगे हुए हैं, सभी लगे हुए हैं, तो ऐसे में समझदारी वाली बात ये है कि हमें
एटमॉस्फेयर को हल्का बनाने की कोशिश करनी चाहिए। चलो बस बस खत्म करो, मतलब एकदम से कूद पड़ना चाहिए। चलो बस ठीक है, बस हो गया, बहुत हो गया, चलो कॉफी पीते हैं। कुछ भी, कोई भी ऐसी बात जिससे कि ना एकदम से जो पूरा जो वहाँ का जो माहौल टेंस जाए ना वो लाइट हो जाए। बच्चे ने जैसे जिद कर रखी है कि मैंने तो जाना ही है पिकनिक में, फादर मना कर रहे हैं नहीं जाना, कैसे जाएगा, ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं, आप कहीं नहीं जाने देते ऊंची ऊंची। चलो एक बार ठंडे मन से सोचते हैं, एक कॉफी लेके आती हूँ, गर्मा गर्म कॉफी पीते हैं, फिर कोई आइडिया आएगा, फिर सोचते हैं, एकदम से लाइट। ये पेरेंट्स ही कर सकते हैं और स्पेशली मदर्स। वैसे ना दो जने होते हैं ना, जैसे फादर और मदर, एक जने को मतलब दोनों को नहीं कूदना चाहिए लड़ाई में। एक सजेशन है, एक जने को तो चुप रहना चाहिए ताकि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना सिचुएशन, वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। दोनों एक साथ कूदेंगे तो बच्चा कहाँ जाएगा, फिर सिचुएशन वर्स से वर्स्ट होती जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ना सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ना एक जना रहे कि भाई तुम बात कर लो, हस्बैंड वाइफ को कहे या वाइफ हस्बैंड को कहे कि तुम बात करो, मैं नहीं कर रही, मैं बाद में आऊँगी। तो चलो इस तरह से पैचअप भी हो सकता है और सिचुएशन को कंट्रोल में भी लाया जा सकता है। कई बार बहुत ज़्यादा बात बिगड़ भी जाती है। और फिर बात आती है कि चलो हम रोल मॉडल बन जाते हैं। देखिए हमें ना एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। हर एक कोई डांटता है, हर एक कोई गुस्सा करता है, हर एक में पेशेंस नहीं होती। चलिए हम करते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, बच्चे के अच्छे दोस्त बनते हैं, बच्चे की फीलिंग्स को समझते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए लड़ते झगड़ते तो हम सभी हैं, सभी हैं, हर बात पे रिएक्ट भी करते हैं, अपनी पेशेंस खो देते हैं, अपना आपा खो देते हैं। हम ऐसा नहीं करें, हम एक अच्छे पेरेंट, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें। 2 महीने बाद 3 महीने बाद बच्चे को समझ आना शुरू हो जाएगा कि हाँ मैं गलत था। रोल मॉडल बन के हम मतलब एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि देखिए हमने ऐसा किया। मतलब और पेरेंट्स देखिए, सभी पेरेंट्स दुखी होते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, मतलब इस तरह से टीन एज में आ जाते हैं, तो पेरेंट्स सभी टेंशन में आ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो हम इस सिचुएशन से मतलब बेहतर तरीके से लड़े वो इस तरह से कि हमने कोई रिएक्ट नहीं करना, हमने गुस्सा नहीं करना, उल्टा नहीं बोलना, ऊंचा नहीं बोलना, अपने रूल्स बनाने हैं, समय समय पे बच्चे को अप्रिशिएट करना है, माहौल को हल्का बना लेना है, टेंस हो तो बात को ड्रैग नहीं करना, घसीटना नहीं है, बार बार एक चीज़ को दोहराना नहीं है। कोई बात नहीं, हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। लड़ते झगड़ते तो हमेशा, चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं, एग्जाम्पल सेट करके देखते हैं, कूल रखते हैं, दिमाग को ठंडा रखते हैं। देखिए ये तो थे पेरेंट्स के लिए कुछ पॉइंट्स। और अगर फिर भी लगता है कि बच्चा बिल्कुल ही हाथ से निकल रहा है, कोई कंट्रोल ही नहीं है उसमें, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होता जा रहा है, कहना नहीं मान रहा, तो हम स्कूल में जो काउंसलर्स की मदद ले सकते हैं, स्कूल में टीचर से बात कर सकते हैं, प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं, या फिर जो बच्चा है उसके जो फ्रेंड सर्कल है उसके फ्रेंड से या उनके पेरेंट्स से, उनको कॉन्फिडेंस पे लेके बात की जा सकती है कि बताओ हम क्या करें, इस तरह से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो सिचुएशन का जो हल है ना वो निकल आएगा, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर ज़रूरत ये है कि हम उनको प्यार से हैंडल करें, अपने टीन एजर्स बच्चों को बहुत प्यार से हैंडल करें। सब ठीक हो जाएगा, मैं दावे से कह सकती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी सी पेशेंस अगर हम रखें तो सब ठीक हो जाएगा। तो ज़रूर सोचेगा इस बारे में। और अगर आपके भी कोई और अच्छे पॉइंट्स हो ना कि और किस तरह से हम डील कर सकते हैं बच्चों के साथ, टीनएजर्स जो बहुत बिगड़ रहे हैं, हमसे अच्छे से बात नहीं करते, उनसे हम कैसे डील कर सकते हैं, तो ज़रूर बताइएगा, फिर हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास मैसेज आ जाए। ठीक, बाय।